और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश से। दरअसल यूपी के बाद एमपी सरकार अब लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी और इसके लिए जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। कहा गया है एमपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून आएगा और विधानसभा में जल्द ही विधेयक लाया जाएगा इसको लेकर, जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजिबल तथा गैर जमानती, इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए की गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा।